हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान भैया शॉक्ड हो गया है क्योंकि जय श्री राम से गूंज उठा था पूरा स्टेडियम। हाँ, आप लोग भी बता रहे थे यार। नहीं, पर आप कमेंट्स जो पढ़े हैं ना, तो कहाँ होगा? कमेंट्स जो मैंने पढ़े हैं वो अमेजिंग है कि बहुत, मतलब बहुत हुआ है। और खासकर बता रहे थे कौन पहले, रिजवान जब वापस जा रहा था ना, तो उसके रास्ते में भी उसको बड़ा बोल बोल के उस टाइप से किया था कि ये जो जीत है या जो भी है उस टाइप से, ये इज़राइल के नाम और उस टाइप से उसको बड़ा शुरू किया था ना, उसको भी बड़ा किया है। ऐसे ही होना चाहिए लोगों के साथ। इंडिया में तुम्हें छोड़ेंगे हम? हाँ, तुम अपने देश में जो कूड़ा कबाड़ा बोलना बोलते रहो। तो देखते हैं अभी, यहाँ पे तो मजा आया है। पर अभी तक मैंने वो वीडियोस नहीं देख पाई हूँ कि जिसमें ये सब एक्चुअली में बोला हुआ हो, जबकि हमने एक दो व्लॉग्स किए हैं। आप लोगों ने और भी भेजे हैं, उसमें देखते हैं अगर उसमें सुनने को मिलता है। पर लेट्स सी, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उनमें भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टेडियम के अंदर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। भारत ने वर्ल्ड कप हाई वोल्टेज टक्करे में एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम को ठंडा करके रख दिया। उस स्टेडियम में क्या नजर आ रहा था आपको? उस स्टेडियम के अंदर आपको सिर्फ नीला रंग नजर आ रहा था, यानी सिर्फ नीली वर्दी नजर आ रही थी और कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद हर पाकिस्तानी यही सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारत से हमेशा हार क्यों जाती है। भाई जितना मर्जी पिट लो आप, जो ये भी शुरू हो गए, वर्ल्ड कप की तारीख में 8वीं बार आमना सामना हुआ और नतीजा एक बार फिर से रिवायती हरीफ भारत के हाथों शिकस्त, बल्कि इबरतनाक शिकस्त की सूरत में निकला। अहमदाबाद दुनिया के सबसे बड़े कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 1,32,000 तमाशाइयों में से कोई एक तमाशाई भी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद नहीं था। पागल है क्या ये ऑडियंस? हम इंडिया वाले। हैविंग सेड दैट, इट इज a very 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 humiliating defeat. Good, you deserve it. ये पाकिस्तान की सबसे गंदी टीम है। इसके अलावा मैं सिर्फ मोहम्मद, मैं मोहम्मद साद आबिद सिर्फ विराट कोहली को पसंद करता हूँ, और विराट कोहली मेरे दिल की जान है। फिर भारतीय बल्लेबाजों ने शाहीनों के छक्के छुड़ा दिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैच से पहले ही आप हारे हुए थे। एक मिनट बात सुने, आप खेल में दिखाए ना, मेरी बात सुने। क्योंकि बच्चों की तरह हिंदुस्तान ने मारा है, ये मुझसे देखा नहीं गया। ये सब बोल पहले क्यों नहीं बोला था? अब तो बड़े हारने के बाद ही बोला ना सब। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जय श्री राम के नारे सुनकर रो रहा है। भारत में इसराइल के राजदूत नाउर केलोन ने शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की मिली जीत पर खुशी जाहिर की है। इस बार उन्होंने पाकिस्तानी टीम पर तंज भी कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हार के बाद पाकिस्तान अपनी जीत हमास को समर्पित नहीं कर पाया। उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में खेले गए भारत पाक मैच में भारत विजयी हुआ, और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। मैच के दौरान हमारे भारतीय मित्रों ने पोस्टर दिखाकर इसराइल के साथ एकजुटता दिखाई, इससे हम बेहद भाव विभोर हैं। अपनी पोस्ट में उन्होंने एक ही बंदा था जो लेके आया, जिसमें एक शख्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर वाला पोस्टर लिए देखा जा सकता है। पोस्टर पर लिखा है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग में इजरायल के साथ खड़ा है। उस स्टेडियम में क्या नजर आ रहा था आपको? उस स्टेडियम के अंदर आपको सिर्फ नीला रंग नजर आ रहा था, यानी सिर्फ नीली वर्दी नजर आ रही थी और कुछ नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तानी शायकीने क्रिकेट को वीजे नहीं दिए, नहीं देंगे। रिजवान जब आए, उनके साथ क्या बताता हूँ आपको, मैं आपको एक यहाँ पे सुनाने जा रहा हूँ नाजरीन, ये एक ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूँ। स्टेडियम में उस वक्त क्या हो रहा था जब मैच शुरू होने वाला, जैसे हमारे प्लेयर्स स्टेडियम में आते हैं क्या हुआ, ये जरा आपने ये सुनना है, एक क्लिप सुनना है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये मैच हो रहा है या कोई, वो क्या कहते हैं इसको, ये भजन गाया जा रहा है या कोई नवरात्रि हो रही है, क्या करते हो? मतलब
स्टेडियम के अंदर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार, यही होगा। और बाकायदा स्पीकर पे चलाया गया, स्टेडियम वालों ने स्पीकर पे जय श्री राम चलाया, पूरा स्टेडियम जय श्री राम से बोल रहा है। मुझे किसी के मजहब से प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदुओं का अकीदा है, वो सौ बिस्मिल्ला उसको करते रहे वो, लेकिन ये मैच हो रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल टीमें मैच में मौजूद है, पाकिस्तान से टीम आई हुई है भाई, वर्ल्ड कप का मैच खेलने आई हुई है, आईसीसी क्या कर रहा है, आईसीसी का घोड़े बेच के सो करो यार। भाई अली भाई बहुत बुरे हो गए भाई लाल जी, ये बताएं, बहुत से लोग कहते हैं बाप बाप होता है, आज किसने बता दिया कि कौन किसका बाप होता है? हमें तुम्हारा बाप नहीं बनना, और बहुत पहले से बताया हुआ, बदनामियां नहीं चाहिए। अंदर आप मुझे बताएं, टोटल 7 मैचेस हुए हैं जिसमें 6 हमारे कुछ नहीं लगते, बाप कौन हुआ? मुझे ये बताएं, आज जो बॉलिंग की गई है बहुत ही आउट क्लास किस्म की, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? भारत की तरफ से बॉलिंग बहुत शानदार, देश की रिस्पेक्ट नहीं करते, चल रहे रन्स की इनिंग खेली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद माइक चेंज करेंगे, ये पूछेगा वही तो। और बाबर आजम के मुंह पे चपेट है बहुत बड़ी, और कंपैरिजन तो कहीं भी नहीं है भाई। और आपको महसूस हुई चपेट? मुझे और बाबर आजम का गाल लाल भी नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन एक टीम अगर आम पब्लिक को चपेट समझ आ गई, तुम्हारी चपेट महसूस हो गई, हो नहीं भी चाहिए। और जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्मेंस दी अपने मुल्क के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर, अपने लोगों को जिस तरह से उसने खुश किया, आज पूरे हिंदुस्तान का नाम उसने रोशन करके दिखाया कि अपनी बस परफॉर्मेंस से कि किस तरह से अपनी टीम को, अपने लोगों को खुश किया जाता। और कहीं भी मैच के अंदर ऐसा नहीं लगा कि इंडिया की टीम डगमगा रही है भाई। वो थोड़े से रन होते थे एक विकेट जाते थे, पाकिस्तान के थोड़े से रन होते थे एक विकेट जाते थे, हमारे तो भाई स्टेबल ही नहीं हो पाए ना, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है ना हमारी टीम के अंदर स्टेबिलिटी है, कुछ तो होता यार। वर्ल्ड कप भी ले आते इन गरीब आवाम को दिखाकर, चलो इमरान खान ने मुल्क लूट लिया, आप भी कुछ ना कुछ तो कर लेते अगर वर्ल्ड कप लेके आ जाते तो भाई इंडिया को जरूरत भी नहीं है वर्ल्ड कप की, उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप देखो कि अगर हमारे वर्ल्ड कप का किसी भी 92 में आया था उस बंदे ने ब्लैकमेल करके, आज भी वो मुल्क को लीड कर रहा। इसी तरह ही आप देखें कि पिछले उनके महेंद्र सिंह धोनी ने उनको वर्ल्ड कप जिताया, और कितनी बड़ी बात है यार। मुझे ये बताएं, अपने देश को बोलते जाओ, नेगेटिव इंडिया को बोलते रहो, इंडियन की फिल्में हैं, इंडियन गाने पाकिस्तान के हर जुबान के ऊपर हैं। वो एक गाना था दुश्मन के छक्के छोड़ो, क्या था मुझे थोड़ा याद करें, हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले कह रहे थे। आज क्या हुआ है भाई, वो ऑलरेडी वही चीज हो गई। मैं क्या बात करें, कितना शदीद दुख हुआ। मैं शुरू होने से मैं ज्यादा बात करने का हक में नहीं हूँ, मैं आज टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। कल रात से देख रहा हूँ टेरर इन पाकिस्तान, रोहित शर्मा टेरर इन पाकिस्तान, हर यूट्यूबर जो है लगा हुआ है। मुझे बताएं, तुम खुद भी लगे हो, तुम भी यही करते हो, टेरर आज डाल दिया या नहीं डाल दिया? बिल्कुल डाल, यही करते हैं, नो डाउट। आज देखे ना 84 रन्स की उसने इनिंग्स के लिए, और इससे बढ़कर क्या चाहते हो यार? कैप्टन इनिंग जय हिंद कर दो, बढ़कर आपको क्या चाहिए भाई? जय हिंद। आपके मुल्क के अंदर देखो ना, हमारे बाबर आजम साहब पूरे 50 रन करने के बाद पवेलियन जा रहे हैं, और कितने बॉल्स के अंदर पता 69 बॉल्स के अंदर उसने 50 स्कोर मारा, और शुक्र करें मार दिया, इतना भी मार दिया। वाकई में सही कह रहे हैं। आपको पता है कि उन्होंने अभी रिसेंटली एक ऑडी कार भी ली है। किसने? बाबर आजम ने, न्यू मॉडल 5 करोड़ रुपए की ली है भाई वो। तुम भी तो ले रहे हो इंडिया के पैसों से, हमने सुना। विराट कोहली है जो ब्रांड एम्बेसडर है ऑडी का, एक बाबर आजम है जो लेके सोशल मीडिया पे बता रहे हैं इतनी गाड़ी आ रही है ये वो। आज पिच पे क्यों नहीं बाबर आजम चले? हम जितना मर्जी पिट लें, हम यहाँ पर जितना मर्जी, हर दूसरा बंदा कहता है बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान का विराट कोहली है। भारत की सरजमीन पे उनके पिच के ऊपर खड़े होके, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खड़े होके, क्या हक नहीं बनता था? अगर वाकई विराट कोहली है तो आज साबित करते भाई, जितना मर्जी कर लो आप, बाप बाप होता उन्होंने साबित कर दिया। ये आपने आखिरी जो जुमला दिया है ना, ये किताब की मानिंदा है, लेकिन इस पे एक आखिरी आपसे और सुनना चाहूंगा। वर्ल्ड कप क्या लग रहा है, भारत ले जा चुकी आज का मैच जीत के? तुम तो बोलो कि कोई टीम है जो तंग कर सकती है मजीद? थोड़ा डिफिकल्ट है, ये पाकिस्तान की सबसे गंदी टीम है, इसके अलावा मैं सिर्फ मोहम्मद साद आबिद सिर्फ विराट कोहली को पसंद करता हूँ, और विराट कोहली मेरे दिल की जान है, विराट कोहली मेरी जान है, मेरी जान है। इस वक्त मैं विराट कोहली के दिल में, मेरे जान है मेरी। एक मिनट बात सुने, आप खेल पे दिखाए ना, मेरी बात सुने। उस बंदे को पैसे दिए होंगे, वो बोल रहा है आसपास के लोगों को शायद तकलीफ हुई है, जिनको पैसे नहीं मिले वो उसको मारने के लिए आ रहे होंगे, मुझे तो यही लग रहा है।
वो कह रही है यार मेरा स्क्रिप्टेड है, क्यों घुस रहे हो? पता नहीं यार, जो आया है उसको भी पैसे दिए होंगे तोड़ंगा का। हां वो भी, ओ यस दे कैन डू इट, पूरा स्क्रिप्टेड है। एक ये बोलेगा दूसरा गर्म होगा, तू ये बोल फिर तू ये करना, तू वो ये करना, हां ताकि मेरा वीडियो हिट हो जाए। नोबडी नोस व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, बट ये तो सारा है। पर इनकी हम लोगों का हम करते हैं जब आप लोग रिक्वेस्ट। अच्छा खेला इसमें कोई शक की बात नहीं है, वी वन दैट्स वेरी गुड। हमने क्या स्टेडियम में क्या किया नहीं किया, दैट इज जस्ट हाउ इंडिया इज, दैट इज हाउ वी विल बी। तुम लोग जिस तरह की हरकतें करते हो, गाजा को सपोर्ट करने की बातें करते हो, वी स्टेडियम में जिस तरह से तुम हरकतें करने लग जाते हो अपनी रिलीजियस, जब हमने किया तो तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई। हम करते नहीं है, कभी भी देख लो कभी नहीं किया, तुम्हारे ही टाइम में किया है, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रही है। ऊपर से बड़ा उनको कितनी तकलीफ हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही। यही होगा हर बार, यही होगा, बेटर है मत आओ इंडिया, हम तो कह रहे हैं मत आओ, तुम ही जबरदस्ती आए हर बार। हाँ, और ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ, और इससे भी बदतर होएगा अब तो। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।